Hello students, I hope you would be fine. I am your teacher Shubhi Malviya and I am going to teach you today first chapter of history, French Revolution. In this chapter, here is a scene from the chapter beginning that there were some people who attacked on a fort of Bastille. Why do they attack? Firstly, we start from this. 14 July 1989 in Paris, near about 7,000 people gathered. 7,000 लगभग लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो गए. And attacked on government buildings. उन्होंने governments की जितनी भी buildings थी, इमारतें थी, उन सब में तोड़ फोड़ करना शुरू किया. उन सबको लूटना शुरू किया. और उन्हीं में से एक था द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल का किला. जो बेस्टाइल का किला था उसको उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया. क्यों सबसे ज्यादा नुकसान उसको पहुंचाया? क्योंकि ये माना जाता था कि उस समय फ्रांस में जितने भी कैदी होते थे उन्हें बेस्टाइल में ही रखा जाता था और वहां पर सबसे ज्यादा उन पर कठोर याचनाएं उनको तकलीफ दी जाती थी. तो सभी जनता बेस्टाइल के किले से बहुत ज्यादा परेशान थी. लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो यहां पर बताया गया फर्स्ट पैराग्राफ में. लेकिन इसका कारण क्या था, उस समय ऐसी क्या कंडीशन आ गई, व्हाई डू दे अटैक ऑन द फोर्ट ऑफ द बेस्टाइल, उन्होंने क्यों बेस्टाइल पर अटैक किया, तो इसको जानने के लिए हम शुरू से पढ़ेंगे कि कैसी थी फ्रेंच सोसाइटी, क्या थी कंडीशन जिस कारण ये ऐसा अटैक हुआ. फर्स्टली वी विल कम द हेडिंग फ्रेंच सोसाइटी. फ्रांस जो था उस समय राजशाही थी, जिसे आप लोग इंग्लिश में मोनार्की जानते हैं. मोनार्की मीन्स राजा. इन 1774 लुई 16, देखिए जो भी डेट्स मैं आप लोगों को बता रही हूं या जो भी स्पेशल पर्सन्स के नेम मैं बता रही हूँ उसे आप लोग स्पेशली नोट डाउन करिएगा और लर्न करिएगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज इक्वल नॉट ओनली इन नाइन्थ एज इक्वल इन टेंथ क्लास ऑल्सो. तो इन 1774 लुई 16 वॉज द बॉबन फैमिली पर्सन एंड सैट ऑन थ्रोन. एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा राजा जिसका नाम लुइस था, लुइस 16 यानी लुइस 16, वो बॉर्बन फैमिली का था और वो राजगद्दी पर बैठा. कब बैठा? 1774 में. ही वॉज अ सेल्फिश किंग. वो बहुत ही स्वार्थी पर्सन था. एक ऐसा राजा जो कभी भी अपनी जनता की परवाह नहीं करता था. ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. उसको जो उसकी ट्रेजरी, उसका जो खजाना मिला वो पूरा खाली हो चुका था. क्या रीजन थे जो उसका खजाना पूरा खाली था? इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, नाइन्थ में भी पूछे जाते हैं, क्लास टेंथ में भी पूछा जाता है. तो इन रीजंस को हम देखते हैं. फर्स्ट रीजन, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर्स. जो किंग था वो वॉर्स में बहुत ज्यादा बिजी रहता था. वो अक्सर ही किसी न किसी अदर कंट्रीज पर अटैक करता था. दूसरा जो रीजन था, एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ स्टाइल, मीन्स वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर, अपनी फैमिली, अपनी प्रिंसेस पर खर्च करता था. तीसरा, मेंटेनिंग कोर्ट ऑफ ह्यूज पैलेस ऑफ वर्साइल्स. वर्साइल्स एक ऐसी जगह थी पेरिस में जहां पर उसने बहुत ही बड़ा ह्यूज पैलेस बनवाना शुरू किया था. इसको बनवाने में और उसके मेंटेनिंग में इतना ज्यादा खर्च आ रहा था जिसकी वजह से भी उसका ट्रेजरी लगातार खाली होता गया. लोन ऑफ 2 बिलियन लीवर्स. उसने इस महल को बनवाने में 2 बिलियन लीवर्स लिया था. अब आप सोच रहे होंगे कि लीवर्स क्या होता है. जैसे इंडिया में जो करेंसी है उसको हम रुपए बोलते हैं, तो उसी तरह फ्रांस में जो करेंसी थी उसको लीवर्स के नाम से जानते थे. आपसे ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द लीवर, डिफाइन इट. तो आपको लिखना पड़ेगा कि इन ओल्ड टाइम्स द करेंसी इन फ्रांस रेगुलेट दैट वॉज कॉल्ड द लीवर. द लास्ट पॉइंट, व्हाट वॉज द रीजन, दैट वॉज द इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज.
जो अमेरिका था वो ब्रिटेन के कब्जे में था, जिसकी वजह से जो फ्रांस का राजा था वो इन 13 13 कॉलोनीज अमेरिका की ब्रिटिशर्स के कब्जे में थी, या यूँ कह सकते हैं कि इंग्लैंड के कब्जे में थी, जिसकी वजह से ये फ्रांस का राजा चाहता था कि लड़ाई करके, किसी भी तरह से वॉर करके इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को वो फ्री करा ले। और अगर वो ऐसा करा लेगा तो ये 13 जो अमेरिकन कॉलोनीज रहेगी वो उसके कैप्चर में आ जाएगी। अब हम बताएंगे कि व्हाट वाज द स्टेट्स इन 18th सेंचुरी। स्टेट्स मीन्स द एरिया। जो फ्रांस था वो पूरी 3 तरह के स्टेट में डिवाइडेड था। वहाँ के जो लोग थे वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। 3 स्टेट्स कौन कौन? देयर वॉज फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी होते थे। क्लर्जी यानी कि जो लोग चर्च से संबंधित होते थे, जैसे कि फादर, पोप्स या किसी भी तरह के रिलीजन का काम कराने वाले जो भी लोग होते थे, रिटुअल वर्क कराने वाले जो भी लोग होते थे, दे वर कॉल्ड द क्लर्जी। इनको फर्स्ट स्टेट में रखा गया था। इन लोगों को कुछ प्रिविलेजेस दी गई थी। प्रिविलेजेस का मतलब होता है सुविधाएं। अब सुविधाओं के लिए आप लोग सोचेंगे कैसी सुविधाएं? पहली सुविधा तो ये थी कि दे वर फ्री फ्रॉम ऑल टैक्सेस। इनको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। दूसरी प्रिविलेजेस उनकी ये थी कि दे हैव टू टेक टाइथेस फ्रॉम द थर्ड स्टेट। उनको खुद, वो खुद थर्ड स्टेट से टैक्सेस लेते थे, और जो ये टैक्सेस होते थे दे वर नॉट द डायरेक्ट टैक्सेस, दे वर द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस या इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जैसे वो लोग पैसों के रूप में या लीवर के रूप में टाइथेस नहीं लेते थे, वो एग्रीकल्चर या फूड फॉर्म के रूप में इन टाइथेस को लेते थे। तो ये दो इनकी प्रिविलेजेस होती थी। अब बारी आती है द सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट रेफर टू नोबिलिटी। नोबिल आप लोग समझ सकते हैं राज परिवार, राजशाही लोग, दरबारी लोग, जो भी ऊंचे ओहदे पर लोग होते थे वो लोग नोबल्स होते थे। दे वर ऑल्सो गेट टू प्रिविलेजेस। उनको भी कुछ सुविधाएं मिली हुई थी। उनमें से एक क्या थी? दे वर ऑल्सो फ्री फ्रॉम टैक्सेस। वो लोग भी टैक्सेस से फ्री रखे गए थे। उनको भी किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। इवन उसकी जगह पर उन्हें भी थर्ड स्टेट से एक टैक्स लेना होता था, और वो टैक्स टैक्स जो था वो कहलाता था टाइल्स। अब जो टाइल्स थी ये डायरेक्ट टैक्सेस होते थे, यानी लीवर के रूप में। लीवर आप ही मैंने आपको बताया ही था कि लीवर के रूप में, यानी पैसों के रूप में, वो टैक्स थर्ड स्टेट को, सेकेंड स्टेट यानी नोबिलिटी को पे करना होता था। अब बारी आती है द थर्ड स्टेट। द थर्ड स्टेट रेफर टू द 90% ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस। लगभग लगभग 90% लोग फ्रांस के थर्ड स्टेट में आते थे। ये वो लोग होते थे जो मिडिल मैन थे, एजुकेटेड पर्सन्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, और मैक्सिमम जितने भी पीजेंट्स थे वो सारे की सारे लोग इसी में आते थे। दे हैव नेवर गॉट एनी टाइप ऑफ प्रिविलेजेस। उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रिविलेजेस कभी भी नहीं दी गई। दे हैड टू पेड ऑल टैक्सेस टू द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। इन्हीं लोगों को सारे के सारे टैक्सेस पे करने होते थे, वो चाहे क्लर्जी हो टाइथेस देने के लिए, चाहे वो नोबिलिटी हो टाइल्स देने के लिए। सारे टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट ही पे करता था। अब हम ये जानेंगे व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रीजन क्या था? क्यों ऐसी कंडीशन आ गई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ? फर्स्ट थिंग, पॉपुलेशन इंक्रीज 23 मिलियन टू 28 मिलियन। पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ गई। पहले 23 मिलियन जो थी वो अचानक से 28 मिलियन हो गई। फूड क्राइसिस ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, खराब फसल हो गई बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से खाने पीने की सामान की कमी हो गई। कॉस्ट गॉट हायर। अब जब
फसल खराब हो जाएगी, खाने पीने के सामान कम हो प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा, जो भी थोड़ा सामान है उसकी प्राइसेस क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, तो जो कॉस्ट थी वो हायर हो गई। सैलरीज वर नॉट इंक्रीज, लेकिन जो भी वेजेस पर लोग वर्क कर रहे थे उनकी जो वेजेस थी दैट वर द फिक्स, वो अपनी जगह पर फिक्स थी, वो तो बढ़ी नहीं थी, लेकिन कॉस्ट के जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। एंड द लास्ट पॉइंट, टैक्सेस इंक्रीज, और जो राजा था ही वॉन्टेड टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब टैक्सेस पे कौन कर रहा था, ओनली द थर्ड स्टेट, केवल थर्ड स्टेट को टैक्सेस पे करना था, और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को केवल टैक्सेस को लेना था, उन्हें कभी भी कोई टैक्स देना नहीं था। और इस कंडीशन में जबकि बैड हार्वेस्ट हो गई है और वेज बढ़ नहीं रही है, सैलरीज अभी भी फिक्स है, तो इस कंडीशन में टैक्सेस को बढ़ाने का जो डिसीजन था वो भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड था फॉर द कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रोल ऑफ फिलोसोफर, उस समय फ्रांस में कई सारे ऐसे एजुकेटेड पर्सन्स थे जो कि थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे, इनमें से कई ऐसे फिलोसोफर हुए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें इन्होंने कही उस समय जिससे कि सारे लोग अवेक हो सकें और जो लुई 16 है उसके खिलाफ अपनी वॉइस को अरेज कर सकें। इसीलिए उन्हीं में से जो तीन मेन इम्पोर्टेंट थे मैंने उनके नाम लिखे हैं, फर्स्ट वॉज द जॉन लॉ, सेकेंड वॉज द जीन जैक रूसो, एंड द थर्ड मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों में मॉन्टेस्क्यू ऐसा पर्सन था जो कि उस समय फ्रांस को तीन तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के डिवीजन में बांटना चाहता था। वो ये चाहता था कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हो, जिसमें कि जो पावर है फ्रांस की वो मोनार्की के हाथ से इन तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाए, जैसे कि इस समय इंडिया में हम लोग पावर्स को देखते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू के का जो व्यू था, जो ओपिनियन था उसको देखकर, और साथ ही साथ में जॉन लॉक और रूसो का ओपिनियन देखकर बहुत सारे जो पीपल थे उस समय फ्रांस के, वो सभी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और वो सब ने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ, मोनार्की को ख़त्म करने के लिए कुछ तो करना होगा। इन तीनों का जो मेन थॉट था वो था एवरी वन शुड इक्वल, सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। फ्रांस में ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेट है, सेकेंड स्टेट है, तो उनको तो प्रिविलेजेस मिल रही है मगर थर्ड स्टेट को नहीं। पीपल शुड गॉट फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और सभी लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का काम करने के लिए फ्री होना चाहिए, किसी भी तरह का किसी भी पढ़ाई को करने के लिए, किसी भी तरह रहने के लिए, कुछ भी खाने के लिए, हर तरह के लिए उस लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी वर्क अच्छा है तो वो थर्ड स्टेट के लोग भी कर सकें, वहाँ पर जो जो इक्वालिटी नहीं है वो ऐसा ख़त्म करना चाहते थे। Three. So for today we should end this video here, and in next lecture I will start from the topic Louis XVI called an assembly.